दोस्तों सूर्य कुमार यादव के तूफान में उड़ा वेस्ट इंडीज टीम, उमरान मलिक ने झटके 4 विकेट। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भारतीय टीम के सच्चे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज टीम के बीच खेले गए पहले 2020 अभ्यास मैच में सूर्य कुमार यादव ने अपने शानदार बल्लेबाजी के दम पर वेस्ट इंडीज टीम को हरा दिया। दरअसल मैच का टॉस भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीतकर वेस्ट इंडीज टीम को बल्लेबाजी दे दी। दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए काइल मायर्स और निकोलस पूरन के शानदार पारी की बदौलत वेस्ट इंडीज टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 180 रन का स्कोर बना दिया। ऐसे में वेस्ट इंडीज टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 181 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं भारतीय टीम ने 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत सुमन गिल और ईशान किशन ने करी। दोस्तों पारी के दूसरे ओवर में ईशान किशन ने पहली गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। उसके बाद दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर दूसरी छोर पर चले गए। वहीं तीसरी गेंद पर सुमन गिल ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले से संपर्क नहीं हुई और विकेट कीपर के हाथों में कैच चली गई। वहीं सुमन गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली को जेसन होल्डर ने पहली गेंद पर LBW आउट कर दिया। वहीं विराट कोहली के आउट होने के बाद टीम इंडिया दबाव में आ गई, लेकिन 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सूर्या ने अपनी चमक दिखाते हुए बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और महज 21 गेंदों में अपना 50 रन पूरा कर लिया। दोस्तों भारत को जीत के लिए अभी भी 30 गेंदों में 70 रनों की जरूरत थी, लेकिन जब तक क्रीज पर ईशान किशन और सूर्य कुमार की जोड़ी मौजूद थी तब तक टीम इंडिया की उम्मीद बनी हुई थी। दरअसल हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 44 गेंदों में 108 रन ठोककर भारतीय टीम को जीत दिला दी। दोस्तों सूर्या के अलावा ईशान किशन ने भी 55 गेंदों पर 45 रनों की बुझ भरी पारी खेली। इसके अलावा भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने पहली पारी में वेस्ट इंडीज टीम के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। तो दोस्तों आप सूर्य कुमार यादव के इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।